हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ्स अध्याय 6 है। चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम ये याद करेंगे कि पूर्ण घन किसे कहते हैं। तो देखिए पूर्ण घन का डिफिनेशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए पूर्ण घन संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर। जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है तब गुणनफल प्राप्त होता है, उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे 2 × 2 × 2 इजकल टू 8 आ रहा है। सिमिलरली 3 × 3 × 3 इजकल टू 27, 4 × 4 × 4 इजकल टू 64 आदि। तो यहाँ पे 8, 27, 64, 8, 27, 64 ये पूर्ण घन संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 का स्वयं 3 बार गुणा करने के बाद में ये 8 आ रहा है, इसीलिए 8, 27, 64 पूर्ण घन है। तो लिख देंगे 8, 27 and 64 आर परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग पहला देखते हैं। देखिए क्या होता है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है 400, ये पूर्ण घन है कि नहीं ये जांच करना है। तो इसको बनाने के लिए लिखेंगे सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है 400, तो इसको बनाने के लिए पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे और ये देखते हैं कि पूर्ण घन है कि नहीं। तो देखिए 400 लिख देंगे। अब जैसे गुणनखंड निकाला जाता है वैसे ही निकालेंगे। 2 से कितना बार में कटेगा, 200, फिर 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से करेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ पे ये 3 2 है, यहाँ पे 2 5 है और 1 है। तो ये हमारा नहीं बना, क्योंकि 5 को भी 3 बार आना चाहिए, इस 2 को भी 3 बार आना चाहिए। इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 401 पूर्ण घन नहीं है। क्योंकि 400 को 3 का समूह सिर्फ 1 2 का है, 1 2 का है, 2 और 5 का नहीं है। अतः 400 एक पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 2 × 2 × 2 एक हो गया ये 3 समूह, लेकिन इसका नहीं हुआ 5 × 5। तो यहाँ पे 1 5 की कमी है, तो ये भी नहीं हुआ। तो यही लिखेंगे कि नहीं, 400 एक पूर्ण घन नहीं है,
क्योंकि गुणनखंडों को तीन तीन का समूह सिर्फ एक दो यानी कि इस दो को दो का है और दो और इस दो और ये पाँच का नहीं है, अतः 401 पूर्ण घन नहीं है। सो गाइस ऐसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें से दूसरा है 342। को देखेंगे क्या आ रहा है। 342 दो से करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 171, और फिर तीन से करेंगे कितना बार में कट जाएगा, 57 बार में, और फिर तीन से करेंगे तो 19 बार में कटेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 342 बराबर 2 × 3 × 3 × 19। तो ये पूर्ण घन नहीं है क्योंकि ये तीन बार नहीं आया है, तीन तीन बार नहीं आया है, 19 तीन बार नहीं आया है। तो हम लोग लिख देंगे कि अतः 342 पूर्ण घन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लिखा है 68,600। तो ये हमारा पूर्ण घन है कि नहीं, घन संख्या है कि नहीं, तो देखिए क्या लिखेंगे। लिखेंगे दो से करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, 3400 आएगा, फिर दो से करेंगे तो आए 17,150 आएगा, फिर दो से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8575। फिर अब दो से तो नहीं कटेगा, तो तीन से भी नहीं कटेगा, पाँच से कट जाएगा, तो पाँच से काटेंगे तो आ जाएगा 17 और 15 आ जाएगा, फिर पाँच से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 343। अब यहाँ पे देखेंगे कि न दो से कटेगा और न तीन से न पाँच से, तो अब यहाँ पे हम सात से काटेंगे तो 7 × 28 = 63 कट जाएगा, तो ये हमारा 77 आ गया। तो अब हम लिखेंगे, ये भी देख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, 6 × 6 = 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 7 × 7। तो यहाँ पे देखिए ये तीन का समूह है लेकिन ये दो पाँच है, यहाँ पे तीन है, तो क्या यहाँ पे भी पूर्ण घन नहीं बना, ये भी नहीं बना, तो क्या लिखेंगे, 6 × 6 = 0 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल दो पाँच बार, पाँच दो बार आया है इसीलिए, और ये तीन तीन बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, (27,44) इसको हम देखेंगे तो ये किससे कटेगा, दो से कट जाएगा, तो सल 2744 को गुणनखंड निकालेंगे, दो से कटेगा तो 1372 में कट जाएगा, फिर ये दो से कटेगा तो 686, फिर दो से कटेगा तो हमारा 343 में कट जाएगा। अब ये केवल तीन से नहीं कटेगा, डायरेक्ट सात से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 49, फिर 7 × 7 ये इतना आ गया, तो लिखेंगे 2744 = 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7। तो यहाँ पे देखिए
दो तीन बार आया है और सात तीन बार आया है, तो ये हमारा पूर्ण घन है। तो लिखेंगे कि 2744 एक पूर्ण घन संख्या है क्योंकि गुणनखंडों का समूह तीन तीन से बना है। ये गुणनखंड जो दो सात है वो तीन तीन बार आया है, इसीलिए बोलेंगे कि 2744 एक पूर्ण घन संख्या है, या बोलेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर कितना से फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं तो क्या आएगा हमारा। कितना है 800, तो ये हम देख रहे हैं, तो देखते हैं इसको, ये दो से कटेगा, दो से गुणनखंड निकालेंगे, दो ये 400 आ जाएगा, फिर दो से दो 100, दो से 100, दो से 50, फिर दो से 25, और ये इसके बाद पाँच से, तो पाँच आएगा, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 800 इजकल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो ये दो का तो तीन समूह है लेकिन इसका नहीं है, तो लिख लेंगे 800 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। अतः ये 800 जो है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 6, क्वेश्चन नंबर 6 4 6 6 5 6। तो ये हम देख रहे हैं, इसको निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, सॉल्व 4 6 6 5 6, 2 से करेंगे 23 3 2, 8 बार में कटेगा, फिर 2 से करेंगे 11 11 6 6 4 में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा भागफल 8 5 8 3 2, फिर 2 से करेंगे तो 29 1 6, फिर 2 से करेंगे 14 58, फिर 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 2 9, और इसके बाद ये 2 से कैंसिल नहीं होगा तो फिर 3 से करेंगे, इनसे 2 4 और 3 से कट जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 1, फिर 3 से कट जाएगा 27 9 3 आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 4 6 6 5 6 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे देखिए दो कितना बार आया है, एक दो,
फिर तीन एक समूह, फिर एक एक समूह। तो ये हम देख रहे हैं कि दो का समूह तीन तीन का बन जा रहा है और तीन का भी समूह बन जा रहा है, इसलिए सो फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, या इसको लिख देंगे अतः 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कि और भी वीडियो आता मिलता रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन दिया है, फोर जीरो एट थ्री सेवन फाइव, ये हमारा पूर्ण है कि नहीं, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे सल्व 408375, यहाँ किस चीज़ से कटेगा, तो ये पहले तीन से कटेगा, तीन से काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, तीन से कट कितना बार में कटेगा, तो 13625 में बार में कट जाएगा तीन से। अब फिर तीन से काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45375। इसका आभाज गुणनखंड निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस सबका करेंगे, फिर तीन से करेंगे तो 15125, फिर पाँच से तो 3025, पाँच से 605, फिर पाँच से कटेगा तो आ जाएगा हमारा 121, और 11 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो लिखेंगे सो 48083 75 इजकल टू 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 11 × 11। तो यहाँ पे देखिए ये तीन का समूह बन जा रहा है, फिर ये पाँच का समूह, लेकिन 11 का नहीं बन रहा है, तो क्या लिख देंगे। सो 408375 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर्स, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये हमारा सातवां हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आठ में क्या दिया है। क्वेश्चन आठ में दिया है ये 91,17,009 दिया है, तो इसको देखते हैं क्या है, पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। तो इसको लेके चलते हैं क्वेश्चन आठ। 9,000 दिया है, तो इसको बनाएंगे तो कितना बनाएंगे, 405 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा 2250, फिर 2 से भाग करेंगे तो 1125 आएगा, फिर यहाँ पे 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा 375, 3 से डिवाइड करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 525, फिर 5 से करेंगे 25 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9000 इजकल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे देखिए ये तीन का समूह है, ये भी पाँच तीन का समूह है, लेकिन यहाँ पे तीन तीन बार नहीं आया है, तो ये लिख देंगे कि 9000 पूर्ण घन संख्या नहीं है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करें,
और इसी तरह आगे भी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।